हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम पहुंचे शिवरी नारायण मंदिर और पहुंचे माता शबरी आश्रम। ये उन जगहों से एक माना जाता है जहां माता शबरी ने श्री राम को बेर का फल भेंट करी थी। तो हम रायपुर से निकल चुके हैं टुवर्ड्स दुरदुरिया फिर से। होप सो कि आज सही टाइम पे पहुंच जाए। अभी भी यहाँ से 2 घंटे 50-40 मिनट है, हम लोग तकरीबन 3 बजे पहुंचेंगे। होपफुली हम कवर कर पाए। सो लेट्स सी। छत्तीसगढ़ अपनी पुरातात्विक संपदा के कारण आज भारत ही नहीं विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यहाँ के 15,000 गांवों में से 1,000 ग्रामों में कहीं न कहीं प्राचीन इतिहास के साक्ष्य आज भी विद्यमान है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है। हाईवे जो ये 4-लेन हाईवे है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक लेफ्ट लेना है और वो सिंगल लेन है और गांव के अंदर से जंगल एरिया से होते हुए हम दुरदुरिया पहुँचेंगे 54 किलोमीटर्स। अभी भी 1 घंटा 7 मिनट और है। कुहारी से लेफ्ट लेना है। एक घंटे में दुरदुरिया एक प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल है जो रायपुर जिला से 84 किलोमीटर, बलौदा बाजार जिला से 29 किलोमीटर, कसडोल तहसील से 12 और सिरपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त स्थल को सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। रास्ते में आपको सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर भी मिलेगा। वापसी में हम कोशिश करेंगे लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करने का। घने जंगल और छोटे छोटे गांवों से गुजरकर हम पहुंचने वाले हैं दुरदुरिया धाम। वहां पे गाड़ी की डिटेल्स लिए, कितने बंदे हैं वो बताया और कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, बस एंट्री है वहाँ पे और कुछ नहीं है। धाम से कुछ दूर पहले ही कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। दोनों तरफ आपको घने जंगल दिखाई पड़ता है। यह स्थल प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ एक मनोरम स्थान है जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके समीप ही बारन वापरा अभ्यारण अथवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। दुरदुरिया बहरिया नामक गांव के समीप बलभद्र नाले पर स्थित है। जनश्रुति है कि त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था और लवकुश की यही जन्मस्थली थी।
इस स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ने का कारण यह है कि बलभद्री नाले का जल प्रभाव चट्टानों के माध्यम से होकर निकलता है, तो उसमें से उठने वाले बुलबुलों के कारण तुरतुर की ध्वनि निकलती है, जिसके कारण इसे तुरतुरिया नाम दिया गया। इसका जल प्रभाव एक लंबी संकरी सुरंग से होता हुआ आगे जाकर एक जल कुंड में गिरता है, जिसका निर्माण प्राचीन ईंटों से हुआ है। जिस स्थान पर कुंड में यह जल गिरता है, वहां पर एक गाय का मुख बना दिया गया है, जिसके कारण जल उसके मुख से गिरता हुआ दृष्टिगोचर होता है। गौमुख के दोनों ओर दो प्राचीन प्रस्तर की प्रतिमाएं स्थापित है, जो कि विष्णु जी की है। इनमें से एक प्रतिमा खड़ी हुई स्थिति में है तथा दूसरी प्रतिमा में विष्णु जी को शेषनाग पर बैठे हुए दिखाया गया है। इस स्थान पर शिवलिंग काफी संख्या में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन पाषाण स्तंभ भी काफी मात्रा में बिखरे पड़े हैं, जिनमें कलात्मक खुदाई किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ शिलालेख भी यहाँ स्थापित है, कुछ प्राचीन बौद्ध की प्रतिमाएं भी यहाँ स्थापित है, कुछ भग्न मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं। इस स्थल पर बौद्ध, वैष्णव तथा शैव धर्म से संबंधित मूर्तियों का पाया जाना भी इस तथ्य को बल देता है कि यहाँ कभी इन तीनों संप्रदायों की मिलीजुली संस्कृति रही होगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बौद्ध विहार थे, जिनमें बौद्ध भिक्षुणियों का निवास था। सिरपुर के समीप होने के कारण इस बात को अधिक बल मिलता है कि यह स्थल कभी बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा होगा। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों की लिपि में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ से प्राप्त प्रतिमाओं का समय 8वीं-9वीं शताब्दी है। पुष माह में यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल होने के कारण, साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी यह स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नमस्ते पंडित जी, आप मेरे पहला सवाल ये है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है जी? ये पानी प्रकृति का देन है, पहाड़ से निकला है और इस जगह पर पानी जो है अनवरत रूप से 12 महीना चलते रहता है। अच्छा, हाँ, गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है, तो गर्मी में तो हर जगह का पानी कम हो जाता है। और ये पानी के नाम से ही ये तू तू करके जो तुरतुरिया शब्द है, अच्छा, उसी से बना। हाँ, ऋषियों ने, पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने इस बात को रखा, इसका संशोधन किया, तो नाम क्या रखा जाए, तो तुरीय सामरी तीन अवस्था होता है योग में, जब आप चाहेंगे ना, तो उसमें एक तुरीय एक अवस्था होता है जिसके द्वारा से योग किया जाता है। अच्छा, तो तुर तुर करके पानी गिरा, तो इसलिए उसका नाम तुरतुरिया रख दिया। गौमुख तुरतुरिया, यहाँ पर बोर्ड आप देख पढ़ा मैंने, गौमुख तुरतुरिया। गौमुख महर्षि वाल्मीकि जी की आश्रम, 4 आश्रम हमारे जानकारी में, 4 आश्रम मुख माना गया। हम भी एक गए चित्रकूट में, एक चित्रकूट लालापुर, हाँ, एक कानपुर के पास, हाँ जी, और एक सीतामढ़ी, नेपाल नहीं, वो भारत में सीतामढ़ी, जहाँ भगवान की शादी हुई थी, उस जगह पर साखोचार पढ़ने के लिए ये गए थे। साखोचार हम लोग में पढ़ाया जाता है, अब आप लोग कौन समाज के हैं? नहीं, हम भी हिंदू हैं, पढ़ा जाता है। हम लोग में मैंने लड़की पक्ष के और लड़का पक्ष के दोनों पक्ष के रहते हैं, पंडित लोग अपना भगवान की कथा मैंने गुणान बाद करते हैं श्लोक के द्वारा, एक दो आशीर्वचन, एक प्रकार का आशीर्वचन कहते हैं, हाँ आशीर्वचन कहिए, उसमें अपना अपना विद्वता दिखाते हैं कि लड़की पक्ष के कितना विद्वान है, हाँ, हाँ, और हाँ, लड़का का पक्ष के कितना विद्वान है, ये ऐसा उसमें रहता है, कंपटीशन हो जाता है दोनों का, आपने होता होगा। अब आज तो केवल फॉर्मेलिटी रह गया है, ये ऐसा कुछ है, 15 मिनट हो
होता है, पहले एक एक घंटा, चार घंटा रात बीत जाता था, दोनों पंडितों के कंपटीशन हो जा रहे थे कौन ज्यादा है, हाँ कौन ज्यादा है, ये चार घंटा लगता था। जिस समय भगवान की शादी हुई थी उस समय चार घंटा दोनों जगह के विद्वान बैठे थे। इधर से वाल्मीकि जी गए थे तो वाल्मीकि जी का एक आश्रम वहाँ। अब ये चौथा आश्रम, आपको ये जानकारी करना है कि यहाँ कैसे हुआ। तो जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, माता जी का वनवास हुआ तो उस समय वो चित्रकूट में थे, लालापुर जी। अब जो अब वो आप जान रहे हैं, वहाँ चित्रकूट में जब थे तो भगवान बहुत दिन तक उनके संरक्षण में रहे। अब लौट करके वो अयोध्या गए। अयोध्या जाने पर धोबी के कहे से या और किसी के कहे से, धोबी के कहे और किसी के कहे से सीता जी को पुनः वनवास की बात आई। तो लक्ष्मण जी इतना कूर और कठोर नहीं थे कि माता जी को जहीं पाते तहीं छोड़ दे। आज भी हम अपनी बहू बेटी को एक विश्वस्त पात्र के पास छोड़ते हैं। बिल्कुल, आप हमारी माता हो। बिल्कुल सही बात है ना। तो आप जो है कि लक्ष्मण जी को भेजा गया सीता जी को लेकर, वाल्मीकि के संरक्षण में वो रह चुके थे। कौन? तो लक्ष्मण जी। तो उन्होंने उस जगह पर पता किए कि वाल्मीकि जी कहाँ हैं। तो बोले दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत गए हैं। तो अब वो अपने रथ को, वाल्मीकि रामायण रखा है पढ़ लीजिए, मेरे पास रखा हुआ है, उसमें दो दिन तक वो रथ का दौड़ाते हैं। तो उनके रथ के आज भी तो कोई ज़्यादा दूरी ना मान कर चला जाए, बिलासपुर से यहाँ से बैठिए तो 12 घंटा में आपका ट्रेन जो है तो पहुँचा देगी। हाँ। अयोध्या कहानी बताने की जरूरत नहीं, इतने में आपको कहानी को समझना है। समझ आया। हाँ। हम बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि अगर वाल्मीकि रहे तो चित्रकूट में, और वाल्मीकि जी ने उनको बताया कि मंदाकिनी नदी के किनारे आप रहो, तो वो तो वही होंगे ना नीचे। हाँ, कैसे नहीं, ठीक, आप समझ आ रहा है कि बाद में यहाँ रहे थे। हाँ, बाद में ये कहानी बाद में। आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ आया सब। तुम्हारा ये सवाल का जवाब मिल गया ना कि यहाँ पे आश्रम कैसे हुआ। अब लव कुश जो जन्म है वो यहाँ हुआ था कि चित्र। हाँ, ये यही हुआ ना, यही हुआ, ये हुआ यही पर। ये लव कुश ये सामने में पठार है, सामने में बहुत युद्ध वगैरह जो हुआ ना सब इसी जगह पर हुआ। और वाल्मीकि जी इस नदी का नाम है, देखिए कितना दुष्कर्म हो रहा है, इस नदी का नाम है बालम देही। बालम नाम पति को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वाल्मीकि जी जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जब 12-14 साल के हो गए तो सामग्री लाते थे, कौन? बच्चे लोग, माता के पूजा के लिए, कभी कमल का फूल। तो पति से मिलवाने के लिए, पति से मिलवाने के लिए वाल्मीकि जी सीता जी को तपस्या करवाए, इसलिए इस नदी का नाम बालम देही पड़ा। उसी दिन से बालम देही, इस मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में बालम देही नदी आप नक्शा में देखिएगा। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहे पर मत जाइएगा। नहीं, मैंने पढ़ा था बालम देही, बालम देही नदी। तो बालम क्यों नाम पड़ा, और जगह इसी नदी के ऊपर में क्यों नहीं नाम पड़ा, तुरतुरिये में क्यों बालम देही नाम पड़ा, समझ गए। अभी इस बात को एक एक बात को जो वहाँ कहते हैं लालापुर में कि लालापुर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ लव कुश पैदा हुए थे। ठीक है ना, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये भी जगह एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, भगवान देखो ना, मैं कुछ कह सकता हूँ ना आप कह सकते हो, यहाँ तो बिल्कुल लव के नाम से लवन बसा है। अच्छा। लव के नाम से कुश के नाम से कसडोल, और जबकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, लव माने छोटा होता है, कुश नाम बड़ा को। अब जुड़वा संतान आज भी हमारे पास पैदा होते हैं, तो माता दुई दुई सुत, मैं अलग से नहीं कहूँगा आपको प्रमाणित, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, दो दो पुत्र सब भाइयों को हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब दो दो, हाँ। दो, दो पुष्कर और क्या क्या शत्रुघाती आदि आदि नाम सब है, तो वो उसमें पुस्तक में आपको मिल जाएगा, मैं एक व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। वैसे लवकुश में एक ऐसे नहीं था कि उस माता को लगा कि उनका पुत्र। हाँ, ये किंवदंती कहानी पर, एक किंवदंती कहानी मान लीजिए वाल्मीकि जी, नहीं दो संतान नहीं है ना लवकुश के बारे में कुछ। देखिए उसमें शत्रुघ्न जी उसी समय लवणासुर को मारने के लिए चलते हैं, भगवान माता जी यहाँ वनवास में थी और वो इसी क्षेत्र में, यहाँ लवणासुर का राज्य था,
सिरपुर वगैरह जो कहते हैं ना, ये लवनासुर का राज्य था और लवनासुर बहुत बड़ा बलिष्ठ राक्षस था। देवता पक्ष को भी लोग मानते थे और राक्षस पक्ष के लोग मानते थे। तो उसको वध करने के लिए शत्रुघ्न जी अयोध्या से चले और उसी रात में एक हम लोग को, अब आप लोग में होता होगा नहीं, एक नेक होता है कि ससुराल पक्ष की मान लो लड़की मायके मगर संतान उत्पत्ति करती है तब भी जो है कि ससुराल पक्ष के कोई उसके कुल का हो तो एक नेग होता है, पानी डालते हैं। अच्छा। जैसे संतान पैदा हो तो उस समय वाल्मीकि रामायण में ये बात आया है कि उस रात, लेकिन शत्रुघ्न जी को बताया नहीं गया कि यहाँ सीता जी रह रही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बताया नहीं गया, लेकिन शत्रुघ्न जी वाल्मीकि के आश्रम में इसी जगह कहीं पर भी एक रात विश्राम किया, उसके बाद वो लवनासुर को मारने के लिए चल दिए। अच्छा। और उसी रात में, जिस रात में मतलब वो रुके, उसी रात में वो वहाँ पर जन्म देती है। कौन? माता सीता, है ना। और जन्म देती है तो वो उस नेग को, वाल्मीकि जी से जान रहे थे, वो नेग को उससे करवाए थे। ध्यान दीजिए, मैंने एक एक बात जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती। लेकिन अब कुछ किंवदंती कहानी, कुछ लोग एक हाथ खीरा का नौ हाथ बीजा बना देते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के रिवाज की भाषा है, एक हाथ खीरा का नौ हाथ बीजा। तो उसमें किंवदंती कथा को हम गलत ना माने, इसलिए ना मानते हैं कि किसी प्रकार से भगवान का नाम हो रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चाहे उल्टा हो। हाँ। या सीधा, रोटी को चाहे इधर से तोड़ के खाओ चाहे इधर से तोड़ के खाओ, किंवदंती कथा को हम लोग निगलेट ना करें, हम नमन करते हैं। हम भले ना सुने लेकिन उसको नमन करते हैं, इसलिए कि उसमें भगवान का कथा है। बिल्कुल सही बात है। जय श्री राम। मैं कोई गलती शब्द कहा हूँ तो उसको वापस कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा, हमारे मन में जो भी सवाल थे वो आपने उनका जवाब दे दिया। अब एक शिवरी नारायण, हाँ शिवरी नारायण यहाँ कहते हैं, बाद में मैं भूल ना जाऊँ इसलिए बोल रही हूँ। मैं बस वो वाल्मीकि रामायण की किताब देखना चाहती हूँ। बस आप देखना चाहती हूँ पुस्तक लान तो, वाल्मीकि रामायण है। मैं अभी इसको टांग करके रख दिया हूँ, सुने क्या कारण के समय तो नहीं मिलता है। जैसे अब ये देखिए, ये दो भाग में है। इतना मोटा पुस्तक को तुलसी कीर्तमानस जो है एक भाग में कर दी। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है प्रथम खंड, ये दूसरा खंड, ये देखिए ये दूसरा खंड है। अब आप लोग देखिए, मेरे पास दो है। अच्छा। हाँ। ये हिंदी में अनुवाद हुआ। हाँ, हिंदी में अनुवाद है। ये तो उसका विषय है। हाँ। हाँ। मेरा एक सवाल था आपसे, यहाँ का नहीं है, शिवरी नारायण जो जगह है वहाँ शबरी का जन्म स्थल है या वहाँ शबरी? ये कहना संभव नहीं है वो, क्योंकि मतंग ऋषि का आश्रम जो है, मतंग ऋषि के साथ में वो रह करके अपना जीवन बिताई थी। हाँ जी। और वो कहीं भी रह सकती है, मतंग ऋषि के वो गुरु मानती थी। कौन? शिवरी। और अपने परिवार को छोड़ करके उनके सेवा में संरक्षण में रही। 80 बरस बिताने के बाद, 80 बरस बिताने के बाद भगवान राम आए। तो अब यही शिवरी नारायण हो सकता है, संभव है, इसको वो नकार। अच्छा, वो बाद की बात है मतलब। हाँ, ये बात है। अच्छा। क्योंकि वो कि मतंग ऋषि तो चल दिए, गुजर गए, क्योंकि वो बाली को श्राप देने के बाद मतंग ऋषि चल दिए थे। हाँ। बाली को श्राप दिए थे कि तुम ये, क्योंकि वो उत्पात करता था वो। हाँ। तो उस उत्पात के कारण जो है से मतंग ऋषि चल दिए थे। तो ये बेचारी अब चाहे जहाँ जाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब जो बैर खिलाए थे। हाँ। वो तो यहाँ नहीं हो सकता। मैं मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ नहीं, लेकिन इसका तर्क क्यों क्यों करिए, सुनिए। नाना भांति राम अवतारा और रामायण सत्य कोटि अपार। कितनी बात हम कहते हैं, ये पहला कलयुग कलयुग है, लेकिन इसके बाद और कई बार कलयुग हो चुका है। रामा अवतार एक त्रेता युग को, जो त्रेता युग बीता है उसी को कहते हैं। इसके पहले तो और त्रेता युग हुआ, तो उस समय संभव हो कि वो उस जगह पर आई हो।
देखिए ध्यान दीजिए, हम उसको निगलेट शब्द से मैंने बगल साइड के शब्द से ना करें, तो ये हम दूसरे के धर्म को निरादर शब्द से ना देखें, ये हमारी बात है। जो भी है हम नमन करते हैं, हम जो मान रहे हैं वो अलग है, लेकिन हम आपको भी नमन करते हैं। ठीक गलत शब्द नहीं, सही बात है ये। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। आपका नाम? हमारा नाम छोटा सा बच्चा, जगह जगह हम लिखा होगा, देखिए पुजारी राम बालक दास। अच्छा। अरे छोटा बालक, मैं रो करके आपसे दूध मांग के खाने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। पुजारी राम बालक दास जी ने हमारे कई प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आगे वीडियो में हम इसके बारे में आपको चर्चा करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे तुरतुरिया धाम आके वाल्मीकि जी के आश्रम में आके हमारे सवालों का जवाब मिल गया है। हाँ, पहली बार। हाँ, तो एक बार दोबारा एक बार उसको रिविजिट करते हैं कि क्या था हमारे सवाल और क्या मिला हमें जवाब। शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूंगी कि जो हम कल जा नहीं पाए और जबकि आज आके हमें पता चला कि हम चाहते तो जा सकते थे सिर्फ आश्रम, तो ये पूरा मैं बोलूँगी राम जी की प्लानिंग थी कि अगर हम कल आते तो हमें ये महाराज नहीं मिलते और हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। हाँ, कल 5 बजे जो बंद हुआ था वो तो वन विहार बंद हुआ था, वन विहार बंद, और हमने सोचा कि वाल्मीकि आश्रम उसके अंदर है इसलिए हम लोग वापस चले गए, पर वही था कि हमारा आना व्यर्थ हो जाता। तो आज हमें जो इतने दिनों से हम सोच रहे थे, शायद राम जी भी सोच रहे होंगे, हम मैं कहती थी ना कि काश मुझे वाल्मीकि जी मिल जाएं और मुझे बता दे कि सच क्या है, वो सच आज पता चला। क्या पता चला तुम्हें बताओ? तो ये पंडित जी ने बताया कि पूरे भारत में 4 आश्रम है वाल्मीकि जी के। पहला तो है जो नेपाल इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो है सीतामढ़ी, वो इसलिए है कि जब राम जी और सीता जी का विवाह हुआ वो वहाँ हुआ, तो अब एक लड़की वालों का आया पंडित, एक लड़के वालों का पंडित आया, तो राम जी की तरफ से वाल्मीकि जी गए, तो वहाँ बैठ के उन्होंने अपने मंत्र बोले, विवाह के मंत्र, इसलिए एक आश्रम वहाँ बना हुआ है। ठीक है। फिर दूसरा आश्रम है चित्रकूट में लालापुर वाला जो हमने देखा, वो आश्रम वो है जब राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास पे निकले तो वो वाल्मीकि जी के पास जाके पूछते हैं कि आपको तो सब कुछ पता है, आप बताओ हम कहाँ रहें, तो वो आश्रम है जहाँ से उनका वनवास शुरू होता है। अब ये तीसरा आश्रम है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ये वो आश्रम है जब सीता जी को राम जी ने त्याग दिया, उसके बाद लक्ष्मण जी जिन्हें माता मानते थे उन्हें जंगल में तो नहीं छोड़ सकते थे ऐसे, तो उन्होंने पता किया कि वाल्मीकि जी जो हैं उन पे मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है और मेरी माँ है, किसी ऐसे ही इंसान के पास छोड़ूंगा तो ध्यान रखे, तो उन्हें पता चला कि आजकल वो यहाँ रहते हैं क्योंकि वो भी वनवासी थे, जगह जगह रहते थे, तो इसलिए सीता जी को वो यहाँ छोड़ के गए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है अलग अलग वाल्मीकि अलग अलग आश्रमों का, वो सब कोई गलत नहीं है इसका मतलब। एक और है चौथा जो उन्होंने बताया, वहाँ भी वो रहे हैं वाल्मीकि जी, 4 आश्रम है, मैं भूल गई चौथे की जगह,
ठीक है, अब तुम्हारा क्या सवाल था? श्रृंगवेरपुर? श्रृंगवेरपुर नहीं, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण, सॉरी, शिवरी नारायण का सवाल था ना, शबरी वाला सवाल था कि शबरी का जन्म स्थल है या शबरी ने बेर वहाँ खिलाया था, ये था सवाल। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जो ऋषि थे ना, क्या नाम था, मतंग ऋषि, मतंग ऋषि, वो मतंग ऋषि का आश्रम था और जो शबरी जी थी उन्होंने 80 साल मतंग ऋषि की सेवा करी, तो वो आश्रम है मतंग ऋषि का। लेकिन सवाल अभी वहाँ खिलाया या नहीं वो नहीं पता। सवाल तो वो कह रहे थे ना कि बाद में यहाँ आके रही है, वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं, उन्होंने कहा बाद में वो कहीं और चली गई हो, उनके हिसाब से बेर यहाँ नहीं खिलाए, पर वो ये कहना नहीं चाहते अपने मुंह से। वो ये कहते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि धरती पर तो ये जो युग हैं ये बार बार आते हैं, कि ये पहला कलयुग थोड़ी है, इससे पहले भी कभी कलयुग आया होगा, हर 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 द्वापर युग त्रेता युग हर में दोबारा भगवान जन्म लेते हैं। हाँ वही उनका कॉन्सेप्ट ये है। हाँ वो ये मानते हैं और वो ये कहते हैं कि क्या पता किसी एक युग में यहाँ पे राम जी ने खिलाए, मतलब शबरी जी ने खिलाए हो बे, लेकिन नहीं वो तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो उनका मानना है, मानना तो ये नहीं मानता उनका मानना, मतलब वो किसी चीज को गलत नहीं ठहराना चाहते इसलिए उन्होंने बोला, पर दिल से वो ये कहते हैं कि बेर शायद यहाँ नहीं खिलाए, बस यहाँ पे वो उन ऋषि की सेवा करती थी तो यहाँ रहती थी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट आई मे बी रॉन्ग, शबरी के झूठे बेर खिलाने के बाद जब राम जी चले गए थे तो शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी ना। हाँ, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति, तो शबरी फिर वहाँ से चली गई थी। हाँ, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई स्थल भी नहीं था ना। हाँ ठीक है, चलते हैं लक्ष्मण मंदिर और देखते हैं हम पहले पहुंच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो बंद हो जाता है मेरे ख्याल से। मैं एक बार आ चुका हूँ 2017 में। आधा घंटा है शायद पहुंच जाए। हम जा रहे हैं सिरपुर लक्ष्मण मंदिर की ओर। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में लक्ष्मण मंदिर की कहानियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे।